हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सरकार ने आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए पीवीसी आधार कार्ड जारी किए हैं। अब ये पीवीसी आधार कार्ड क्या है और ये हमें कैसे प्राप्त होगी, तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो बिना वक्त जाए किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में पीवीसी आधार कार्ड लॉन्च किए हैं। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि यह पीवीसी आधार कार्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यह एक तरह का प्लास्टिक का कार्ड होता है। बात यहां प्लास्टिक के कार्ड पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल हैं और सभी लोगों को पीवीसी आधार कार्ड बनाना बहुत ही जरूरी है। मैं जरूरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल फ्रॉड की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आप किसी गलत चीज का शिकार ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये नए अपडेट जारी किए हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है फिर भी आप इसे ऑर्डर कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि हमारा पीवीसी आधार कार्ड कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एटीएम कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, ठीक उसी के तरह आपका पीवीसी आधार कार्ड होगा और सबका साइज सेम होगा। इसी वजह से आप आधार कार्ड को पीवीसी आधार कार्ड को आसानी से वॉलेट में कैरी कर पाएंगे। अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो आधार कार्ड के बैक साइड में QR कोड होगा, जिसकी मदद से आप क्विकली ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट साइड पे देखेंगे तो आधार का 3D होलोग्राम दिख जाएगा, जिससे आधार कार्ड की डुप्लीकेसी करना इतना आसान काम नहीं होगा। और अगर आप उसके ऊपर देखेंगे तो आपकी घोस्ट इमेज प्रिंट की हुई नजर आएंगी और टॉप राइट में आधार कार्ड का लोगो दिख जाएगा। और बाकी जो डिटेल्स है लाइक आपका नाम, DOB, आधार नंबर वगैरह, सब चीज सेम रहने वाला है। और इसी के साथ साथ फोटो के साइड में आधार कार्ड की इश्यू डेट और प्रिंटेड डेट भी उसमें मेंशन होगी। अब हम बात करते हैं कि पीवीसी आधार कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करें, फिर गूगल के सर्च बार में टाइप करें UIDAI, फिर सर्च करें, उसके बाद फिर सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करें, फिर आपको न्यू विंडो ओपन होके आएगी, फिर आप स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पे क्लिक करें, फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या फिर EID नंबर डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी कोड डालना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो सेंड OTP पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पे टिक करके एंटर TOTP पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके फोन पर OTP जाएगा और उस OTP को वेरीफाई करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी आधार डिटेल्स आपके सामने दिख जाएगी। इनको अच्छे से चेक करके आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा, जिसमें आपको ₹50 का पेमेंट करके आप अपना पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे। आपको बता दें कि पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद ट्रांजैक्शन रिसिप्ट मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लें ताकि आप अपने आधार कार्ड की डिलीवरी को ट्रैक कर पाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।